गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास सिक्स मैथ्स। चैप्टर नंबर थ्री हमारा कंटिन्यू था। वो चैप्टर नंबर थ्री में हम रीड कर रहे थे एक्सरसाइज आपकी 3.4। ओके, एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम लास्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 31। मीन्स हमें 4 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो आपका 31 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम सबसे पहला हमारा वर्क होता है कि जो 4 डिजिट्स का इसने स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हम 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। फर्स्टली वी राइट है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है हम वो राइट करेंगे, कितना होता है हमारा 1000। ओके, अब वो इसको डिविजिबल करा रहा है किससे, एग्जैक्टली डिविजिबल करा रहा है किससे, 31 से। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 31 से, राइट। अब जब हम 31 से इसमें ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो हम 31 से हैं इसको डिवाइड करते हैं 1000 को। ओके, 31 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम गया हमारा यहाँ पे, 3 टाइम्स, 31 3 93। ओके, 31 3 93, 10 - 3 यहाँ पे हमारा कितना बचता है, 7, यहाँ क्या हुआ 9 9 - 9 0। ओके, सो यहाँ कितना आता है हमारा 70। अब 70 होता है, 31 का मैं टेबल 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पढ़ता हूँ, अगर 2 टाइम्स पढ़ता हूँ तो 62 आएगा। अब मैं 62 में इसकी डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 8 बचता है। ठीक है, अब मैं 8 जो इसका रिमाइंडर हो रहा है, मीन्स ये हो रहा है कि या तो ये 8 एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर ये 8 इससे कम होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता हमारा किससे, 31 से। बट कंडीशन क्या है, हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो 4 डिजिट नंबर इसमें कंपलसरी है। अगर इसमें एक भी नंबर हमें इसमें कम कर देता हूँ 1000 में, तो एक भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये 3 डिजिट नंबर आपका बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बचेगा जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम जितनी डिवाइड कम्प्लीटली जाती है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा रीड करते हैं। ठीक, 31 2 जा रही है तो हम कितना करेंगे, 31 3 जा, 3 टाइम्स इसको रीड करा तो 31 3 जा होता है 93। अब इस 70 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 93 से, 3 - 0 3 9 - 7 2। इसका मीन्स ये है कि अगर ये नंबर मैं इस 23 में ऐड कर दूँ, 23 मतलब इस 1000 में ऐड कर दूँ, तो ये डिजिट जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी किससे, 31 से। ठीक है, क्योंकि इससे मैं अगर एक नंबर भी इससे कम ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन में, 2 टाइम्स ले रहा हूँ तो कम हो रहा है, और 3 टाइम्स ले रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 टाइम्स लेता हूँ, और 3 टाइम्स लेने के बाद मैं इसको जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 23। ठीक है, तो ये 23 में इस 1000 में ऐड कर दूँगा, मेरा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जो कि 31 से डिविजिबल होगा। तो ये 23 आया, अब मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 31, सो व्हाट द 1000 + 23, तो कितना आ गया, 1023, तो वो नंबर क्या होगा, 1023 होगा। ओके, वोटेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 289642 गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 76। ओके, सो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 289642 गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 76। हमें एक ऐसा नंबर, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा डिजिट है, कौन सा नंबर है जो मैं 289642 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो
तो जो हमें नंबर फाइंड होगा, जो हमें नई नंबर न्यू नंबर फाइंड होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कि वो 76 से डिवाइड हो, ठीक है, ये फाइंड करवा रहा है। तो क्या करेंगे हम, 76 से इस डिजिट को पहले डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वही संख्या जो है हमारी आंसर हो जाएगी। ओके, तो सो से यहाँ पे हमारा डिविडेंड राइट कर लिया मैंने, कितना है 289642, डिविज़र क्या है यहाँ पे 76, तो मैं 76 से 289642 को डिवाइड करता हूँ, तो कीजिए कितना टाइम जाता है, 76 को डिवाइड किया मैंने तो कितना, थ्री टाइम्स कितना होता है, 3 6 18 कैरी 1, 3 7 29 22, तो यहाँ पे आ गया आपका 228। अब 9 में से 8 माइनस किया 1, 8 में से 2 माइनस किया कितना है 6। ओके, अब यहाँ पे हमारा कितना बनता है 61। अब 61 तो इससे छोटा है, लेस देन इज 76, सो वी राइट हियर 6। ओके, 616 हो गया। अब ये इसको मैंने इससे कितने टाइम किया, 8 टाइम, 8 से इसकी मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 8 6 48 कैरी 4, 8 7 56 60, कितना आ गया यहाँ पे 608। ओके, अब 16 में से 8 में माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। ओके, 4 मैंने राइट किया यहाँ पे कितना आ गया 84। अब ये वन टाइम गया 76 76, राइट, 4 माइनस 6 नहीं जा रहा है तो मैंने कैरी लिया 14 14 माइनस 6 8, 2 राइट किया 8 ना हो गया 82, और 76 बन जाए 76 राइट, 12 माइनस 6 6। अब देखिए ये जो हमारी डिजिट है ये 6 एक्स्ट्रा हो रही है, अगर ये डिजिट 6 कम होती तो यहाँ पे 76 आता, अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिजिट होगी, वो पूछ रहा है ऐसी स्मॉलेस्ट कौन सी डिजिट है, कौन सा नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो नंबर मिलेगा मुझे वो इससे 76 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो वो डिजिट क्या होगी हमारी 6। अगर मैं 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारा जो नंबर है, जो डिविडेंड है, वो उसका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड फ्रॉम 864523 दैट द सम इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो इसमें ऐड करें तो हमारी जो नंबर फाइंड होगा, जो डिविडेंड न्यू फाइंड होगा, वो 45 से डिविजिबल हो। ओके, तो ये सम्स भी हमारा एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किए हैं, 8 9 10 किए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, डिविडेंड है हमारा 864523 एंड डिविज़र जो है वो है आपका 45। ओके, डिविज़र आपका 45 है, डिविडेंड ये है। अब क्या करना है मुझे, डिवाइड करना है 45 से 864523, ठीक। मैंने डिवाइड कितने टाइम कर रहा हूँ, 45 से इसको वन टाइम, 45 बन जा 45, 6 माइनस 5 1 एंड 8 माइनस 4 4, कितना बचता है यहाँ पे 41, ठीक है। 41 में तो डिवाइड जाएगी नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 मैंने राइट किया, कितना हुआ ये 414। अब 45 से 414 को डिवाइड किया, कितने टाइम गया यहाँ पे मेरा 9 टाइम मैंने इसका टेबल रीड किया तो कितना आता है 405। ओके, 405, अब 414 में से मैं 405 माइनस कर रहा हूँ तो कितना आता है यहाँ पे 9, 5 मैंने राइट किया कितना हो गया 95, 45 का टेबल 95 में रीड करूँगा तो 2 टाइम जाएगा 45 टू जा 90, ऐसे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 5 माइनस 0 5, और 5 में भी इसकी डिवाइड नहीं जाएगी तो मैंने यहाँ से 2 राइट किया कितना हो गया 52, 45 की डिवाइड फिर की तो कितना हो गया 1 टाइम 45 बन जाए 45, 52 माइनस 45 कितना आया 7, 3 राइट किया 73। ओके, अब 73 ऐसी डिजिट आ गई जो कि हमारी 45 से तो बड़ी है, ठीक है, बट अगर मैं वन टाइम इसको करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब जब रिमाइंडर बचता है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहा है ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम वन डिजिट्स आगे का टेबल रीड करते हैं, तो अगर ये वन टाइम जा रहा है यहाँ पे तो मैंने कितने टाइम लिया 45 टू सा 90, मैंने कितने टाइम लिया यहाँ पे 2 टाइम्स, ओके 2 टाइम्स लेके मैंने यहाँ 90 राइट किया। अब 90 में से 73 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 7,
एंड हेयर 8.71 मीन्स अगर मैं इस डिजिट में 17 ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पे 73 की जगह क्या मिलेगा 90, और 90 माइनस 90 ज़ीरो, मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं इस डिजिट में आपका 17 ऐड करता हूँ तो ये डिजिट जो है आपकी एग्जैक्टली डिविजिबल होगी किससे, बाय 45 से। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे राइट भी किया है। सो इफ वी ऐड 17 इन 8, 6, 4, 5, 2, 3 देन द डिविडेंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। तो जो हमारा डिविडेंड होगा वो 45 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 रेडियो सेट इज दिस वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। वो कह रहा है 36 रेडियो सेट की कॉस्ट इतनी है, तो वन रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी होगी। वन रेडियो सेट की आप जानते हैं कि भाई 36 की इतनी है तो वन की तो कम होगी, और कम के लिए हम लेस के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, राइट। सो यहाँ पे मैंने राइट किया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 रेडियो सेट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 21060, राइट। इसके बाद द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट इज वन की कम होगी, तो मैंने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया किससे, 36 से। अब यहाँ पे 36 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने टाइम जा रहा है, 5 times 180 सेपरेट किया 30, राइट के आंसर 6, 8 times कितना हुआ 288, 306 में से 288 माइनस करता हूँ कितना बचता है 18। अब 18 में सब्ट्रैक्ट, 18 में डिवाइड नहीं जाएगी तो मैंने 0 राइट किया, यहाँ पे कितना हो गया 180। 36 के फिर 180 के लिए डिवाइड की कितने टाइम गया, 5 times, तो कितना आ गया है 585। तो हमारी जो वन रेडियो सेट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 585 रुपीज़। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट इज इक्वल टू रुपीज़ 585। वोटेड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। क्या कह रहा है, देयर आर 36 रोज इन ए सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल में 36 रोज हैं, एंड फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ चेयर्स इन ईच रो। प्रत्येक रो में हमें छोटे से छोटे, मतलब कम से कम संख्या में जो चेयर्स में डलनी है उनके नंबर्स फाइंड करने हैं इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल इज़ 576 पीपल एट ए टाइम। यदि उस सिनेमा हॉल में एक बार में हमारे 576 पीपल बैठ सकते हैं तो हमें उसमें कम से कम कितनी चेयर्स डालनी होंगी, ये हमें उसमें फाइंड करना है। ओके, सो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे यहाँ, 36। गॉट इट। कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल इज़ कितना है, 576 पीपल। 576 पीपल जो है उसकी कैपेसिटी है, एंड नंबर ऑफ़ द चेयर्स, तो नंबर ऑफ़ द चेयर्स कितनी आएगी, हम जो कैपेसिटी है और जितनी उसमें रोज़ हैं उनको आपस में डिवाइड करेंगे रोज़ से कैपेसिटी को। तो 36 से मैंने डिवाइड किया यहाँ पे 576 को, तो कितने टाइम गया यहाँ पे हमारा, ये गया आपका 16 times। ओके, तो क्या होगा इसमें, सो इन ईच रो कंटेन 16 चेयर्स, तो प्रत्येक रो में हमारी कितनी चेयर्स होंगी, कितनी चेयर्स कंटेन होंगी, 16। ओके, इन एवरी रो 16 चेयर्स कंटेन, गॉट इट। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, फन विद नंबर्स। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।